सर्वशक्तिमान की संतान हो। कौन कहता है महज इंसान हो, सर्वशक्तिमान की संतान हो। प्रॉब्लम्स को बाय, हैप्पीनेस को हाय। इस प्रोग्राम में मैं ईला अपने सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। आज की मॉडर्न लाइफस्टाइल के कारण हमारा जीवन चिंता युक्त और तनाव युक्त हो गया है। अशांति, अविश्वास, अंधकार, तनाव जैसी चीज़ों ने मन पर घेरा कर लिया है। परिणाम स्वरूप हमारे मन की शांति कहीं खोती जा रही है। तरह तरह की बीमारियों ने हमारे शरीर पर कब्जा कर लिया है। प्रेम, आनंद, उत्साह, शांति, ये शब्द मानव जीवन के लिए एक सपना बनकर रह गए हैं। आज हमारे स्टूडियो में हैं बीके तृप्ति जी, जो हमारा मार्गदर्शन करेंगी कि कैसे हम इन चीज़ों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। ओम शांति सिस्टर तृप्ति। ओम शांति। तो सिस्टर तृप्ति, हमें बताइए कि इस मॉडर्न लाइफस्टाइल में रहने के बाद भी हम कैसे शांति पा सकें? सर्कस में हमने हाथी को तो देखा ही होगा। एलिफेंट इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एनिमल्स, और यही एलिफेंट सर्कस में तरह तरह के करतब दिखाता है। तो इतना पावरफुल, इतना शक्तिशाली जानवर, अगर इसे हम ह्यूमन बींग्स कंट्रोल कर पाते हैं तो हम यह कैसे कर पाते हैं? अपने माइंड पावर के आधार पर। माइंड पावर या थॉट पावर, यह बहुत ही महत्वपूर्ण शक्ति है हम ह्यूमन बींग्स के पास में। और इसी हाथी को सर्कस में जब बांधते हैं तो किस तरह से बांधते हैं इस शक्तिशाली हाथी को? हाथी को बांधा जाता है एक पतली सी लोहे की जंजीर से, जिसे उसे पैरों में डाला जाता है। तो अब सोचने की बात यह है कि इतना शक्तिशाली हाथी, अ पावरफुल एनिमल, क्या छोटी सी लोहे की जंजीर को तोड़कर भाग नहीं सकता? पर वह ऐसा नहीं करता। वह उस पतली सी लोहे की जंजीर से बंधा रहता है। वो किस लिए? उसको तो तोड़ के भाग जाना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि हाथी तो बहुत शक्तिशाली होता है। आसानी से भाग सकता है, पर वह इसलिए नहीं भागता क्योंकि जब वह हाथी छोटा सा होता है, एक बेबी एलिफेंट, जब उसे जंगल से पकड़ कर लाया जाता है, तब क्या करते हैं? उसे बहुत मोटी मोटी और बड़ी बड़ी जंजीरों से बांध के रखा जाता है। कई दिनों तक, कई महीनों तक उसे इतनी ही मोटी जंजीरों में जकड़ कर बांध के रखा जाता है, और जब हाथी उसमें से निकलने की कोशिश करता है, वह बेबी एलिफेंट, वह छोटा सा हाथी, तो क्या होता है? उसे घात होता है, उसका ब्लड निकलने लगता है, उसे बहुत दर्द होता है, और इतनी कोशिशों के बाद भी वह बेबी एलिफेंट इन मोटी मोटी जंजीरों को तोड़ नहीं सकता है। और फाइनली क्या होता है, एक दिन वह बेबी एलिफेंट लड़ते लड़ते गिव अप कर देता है, वह छोड़ देता है इन जंजीरों को तोड़ने का प्रयास, और उसके बाद क्या होता है, वह फिर शांत बैठ जाता है। तब से ही उसकी उन मोटी मोटी जंजीरों को निकाला जाता है और उसके पैर में एक पतली सी लोहे की जंजीर डाल दी जाती है, और तब से ही वह छोटा हाथी बड़ा भी हो जाता है और शक्तिशाली भी हो जाता है, पर वह उस पतली सी जंजीर को तोड़ने की कोशिश नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसके मन में यह बात सेट है कि मैं जंजीरों को तोड़ नहीं सकता,
और अगर तोड़ने की कोशिश करूंगा तो क्या होगा? मुझे घात होगा, मेरे शरीर को चोट पहुंचेगी, मुझे दर्द होगा। तो शक्तिशाली होने के बाद भी वह उसी में बंधा हुआ रहता है। तो इस प्रकार से बचपन से ही उसका माइंड सेट हो जाता है और किसी भी बात को वह एक्सेप्ट कर लेता है। तो इसी प्रकार हम ह्यूमन बीइंग्स का, हम सबका माइंड भी बहुत पावरफुल है। हम बहुत शक्तिशाली हैं अपने मन से, हमारे विचार बहुत शक्तिशाली हैं। पर क्या होता है, हमें अपने विचारों की, हमें अपने मन की शक्ति का अनुमान नहीं है। और बचपन से हम जो सोचते हैं वही बातें हमारे मन में घर कर लेती हैं, हम नई बातों को प्रयोग भी नहीं करते हैं। इसीलिए शायद कहा जाता है कि बच्चे गीली मिट्टी की तरह होते हैं, बचपन में उनको जैसा ढाल दिया जाए वो हरदम वैसे ही रहते हैं, फिर वो चेंज नहीं होते। गीले मिट्टी की तरह होते हैं, और गीली मिट्टी में क्या होता है, पोटेंशियल, लॉट ऑफ पोटेंशियल, पोटेंशियल टू बिकम एनीथिंग। उस गीली मिट्टी से राम की मूर्ति भी बनाई जा सकती है और रावण की मूर्ति भी बनाई जा सकती है। उस गीली मिट्टी से कृष्ण की मूर्ति भी बनाई जा सकती है और कंस की मूर्ति भी बनाई जा सकती है। तो इट्स द लेटेंट पोटेंशियल, हिडन पोटेंशियल, जो हमें एक्सप्लोर करना है। ठीक उसी तरह जिस प्रकार से आइसबर्ग होता है, बर्फीली चट्टान समुद्र में, हम सभी ने आइसबर्ग तो देखा ही होगा। आइसबर्ग के बारे में सुना तो है, देखा नहीं, पर उसका चित्र अवश्य देखा है किताबों में। तो जब हम आइसबर्ग के चित्र को देखते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है? आइसबर्ग का वह भाग जो हमें आंखों से दिखता है, जो समुद्र के ऊपर होता है, वह उसका 1/3 पार्ट होता है, और उसका 2/3 पार्ट जो समुद्र के अंदर होता है वह हमें आंखों से दिखाई नहीं देता। तो इसका मतलब आंखों से दिखने वाला भाग एक छोटा सा भाग होता है, जिसके आधार पर यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि उसकी समुद्र में गहराई कितनी है। तो उसके पोटेंशियल को नापा नहीं जा सकता, उसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। और इसीलिए समुद्र में जो जहाज़ होते हैं, वो जहाज़ों को उसको सिर्फ देख के, 1/3 पार्ट को देख के उन्हें ये अंदाज़ा नहीं आता कि अंदर कितना गहरा है, और कभी कभी खतरा बना रहता है कि वो जहाज़ आइसबर्ग से टकरा न जाए। ठीक इसी प्रकार ह्यूमन पर्सनालिटी, मानव व्यक्तित्व, यह उसी प्रकार होता है कि जो हमें दिखाई देता है वह 1/3 पार्ट होता है, और एक गहरा पार्ट होता है, बहुत बड़ा उसका आयाम होता है, जो हमें आँखों से नज़र नहीं आता। तो जो हमें इन आँखों से नज़र आता है, इला अगर मैं आपसे पूछूं, आप मुझे देख रही हैं, आपको क्या नज़र आ रहा है? मुझे आपका फिजिकल पार्ट नज़र आ रहा है, आपका शरीर, आँखें, कान, नाक, बाल। जी, तो जब हम किसी को देखते हैं तो हमें उसका फिजिकल पार्ट नज़र आता है, उसकी बॉडी नज़र आती है, और क्या नज़र नहीं आता, उसका एक और पार्ट है जिसके बारे में हम बात करेंगे। हम सब मनुष्य के अंदर लेटेंट कैपेसिटी है, लेटेंट पोटेंशियल है, एनर्जी है, जो हमें इन आँखों से नज़र नहीं आती, और इसके बारे में हम विस्तार पूर्वक जानकारी लेंगे। बिलीफ सिस्टम इज द एक्टिवेटर ऑफ हीलिंग सिस्टम। पुराने ज़माने में फैमिली डॉक्टर का कॉन्सेप्ट हुआ करता था, तो हमें कभी कोई भी बीमारी हो, हम क्या करते थे, जाते थे अपने फैमिली डॉक्टर के पास, और फैमिली डॉक्टर क्या करता था, हमसे मीठी मीठी बातें करता था, डायग्नोसिस करता था, हमें दवाई देता था, वहाँ बैठे बैठे भी दवाई खिला देता था, और कुछ दिनों बाद हम अपने आप हील हो जाते थे, ठीक हो जाते थे। और आज हम क्या देखते हैं, आज हार्ट के लिए एक अलग स्पेशलिस्ट, पेट के लिए दूसरा स्पेशलिस्ट, ब्रेन के लिए तीसरा स्पेशलिस्ट, बोन्स के लिए एक और स्पेशलिस्ट,
जितने हमारे बॉडी पार्ट्स हैं उतने ही स्पेशलिस्ट की संख्या बढ़ती जा रही है। तो जब हम यह देखते हैं कि अभी हमें इतनी स्पेशलिस्ट की जरूरत है अपने बॉडी को तंदुरुस्त रखने की, हेल्दी रखने की, बीमारियों को दूर भगाने की, पर अगर हम पुराने जमाने में देखें तो ऐसा क्या था कि एक ही डॉक्टर, हमारा फैमिली फिजिशियन, हमारी सारी बीमारियों को दूर कर देता था? क्या वह एक ही फिजिशियन, उसमें इतना नॉलेज था? क्या उसमें इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन उसके मन में स्टोर्ड थी? या ये एक बिलीफ सिस्टम के कारण भी है? तो होता यह भी था कि वह दवाई तो देता था, पर साथ ही साथ हमारा बिलीफ इन आर फैमिली डॉक्टर, वह भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता था हमारी बीमारियों को दूर करने में, हमें अंदर से हील करने में और जल्दी से हमें ठीक होने में मदद करता था। तो यह बिलीफ सिस्टम किस प्रकार से हमारे शरीर पर इम्पैक्ट करता है, इस पर साइंटिस्ट ने तरह तरह के एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। ऑस्टियोपोरोसिस के 50 पेशेंट्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, दो ग्रुप्स में डिवाइड किया। पहले ग्रुप को ₹50 के प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन दिए गए और दूसरे ग्रुप को प्रिस्क्राइब किया गया ₹500 का मेडिसिन। तो परिणाम क्या हुए? कुछ दिनों बाद पेशेंट्स जब रिपोर्ट करने लगे तो जो पहला ग्रुप था जिसमें ₹50 के ड्रग्स प्रिस्क्राइब किए गए थे, उन 25 लोगों में से 5 लोगों ने रिपोर्ट किया कि वो धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं, और जो दूसरा ग्रुप था जिन्हें ₹500 के ड्रग्स प्रिस्क्राइब किए थे, उनमें से लगभग 15 लोगों ने रिपोर्ट किया कि वो अब लगभग ठीक हो रहे हैं, उन्हें अच्छा लग रहा है, उनके घुटने और उनके जॉइंट्स अब चलने लगे हैं, ठीक से काम करने लगे हैं। तो यह जब दोनों तरह के ग्रुप्स और दोनों तरह के पेशेंट्स को उन्होंने देखा, तब उन्होंने डॉक्टर से पूछा कि इन दोनों के ड्रग्स में फर्क क्या था, मेडिसिन में फर्क क्या था, और डॉक्टर्स ने क्या कहा? डॉक्टर्स ने कहा इन दोनों ही ग्रुप्स को कैल्शियम की दवाइयाँ दी गई थी, एक जैसी, एक समान कैल्शियम की दवाइयाँ। और तब इन सब एक्सपेरिमेंट्स को यह देखकर साइंटिस्ट ने प्रूव किया कि इन केसेस में क्या काम कर रहा था दोनों ग्रुप के पेशेंट्स के मन में, बैकग्राउंड में काम कर रहा था बिलीफ सिस्टम। बिलीफ सिस्टम किस में? बिलीफ सिस्टम इन द ड्रग, इन द मेडिसिन। जब हम किसी के पास आज भी देखते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, और डॉक्टर अगर हमें ऐसी गोली प्रिस्क्राइब करता है जो बहुत कॉमनली अवेलेबल है और जो बहुत ही सस्ती है, राइट? और अगर हम किसी और डॉक्टर के पास जाएं जो हमें महंगी दवाई प्रिस्क्राइब करे, तो हमारे मन में कौन सा संकल्प उठता है? पहला डॉक्टर जो सस्ती मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है उसकी फीस भी कम है, और दूसरा डॉक्टर जो महंगे ड्रग्स प्रिस्क्राइब करता है और ज़्यादा हायर फीस चार्ज करता है। तो हम क्या करते हैं? हमारा विश्वास उन महंगी दवाइयों पर और उस महंगे डॉक्टर पर ज़्यादा बढ़ता है। और अगर हम क्यू देखें बाहर, तो क्यू ज़्यादा लंबी उस डॉक्टर के क्लिनिक के बाहर मिलेगी जो चार्ज भी ज़्यादा करता है और मेडिसिन जो प्रिस्क्राइब करता है वो भी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। तो इसका अर्थ यह हुआ सिस्टर तृप्ति कि अगर हमारा दवाई के ऊपर और डॉक्टर के ऊपर विश्वास हो तो हमारी बिलीफ के कारण आधी बीमारी वहीं छू हो जाती है। सही है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो ये बिलीफ सिस्टम है इसका इनॉर्मस पोटेंशियल है। इस पोटेंशियल को हमने अभी जाना नहीं है, इसे एक्सप्लोर करना अति आवश्यक है, क्योंकि हमने यह देखा बिलीफ सिस्टम के कारण कुछ पेशेंट्स ठीक नहीं हुए क्योंकि उनका बिलीफ उस ड्रग में था नहीं, उनका विश्वास उस मेडिसिन में था नहीं कि यह हमें ठीक कर सकेंगे। पर दूसरे कैटेगरी, उनका विश्वास था, कॉन्फिडेंस था
कि क्योंकि मेडिसिन्स महंगी हैं, डॉक्टर्स अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि वह बहुत एक्सपेंसिव हैं, तो ऑब्वियसली एक्सपेंसिव हैं तो ज़्यादा होशियार भी होंगे, ज़्यादा पढ़े लिखे भी होंगे, और इसलिए नाउ वी आर इन सेफ हैंड्स, ज़रूर ठीक हो जाएंगे। तो हमने अभी जिस एक्सपेरिमेंट के बारे में बात की, यह एक्सपेरिमेंट था बिलीव इन ड्रग्स। उसी प्रकार रिसर्चेस हुए बिलीव इन सर्जरी इस टॉपिक पर, और इस रिसर्च के अंतर्गत फिर से ऑस्टियोपोरोसिस के पेशेंट्स को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया और उनको क्या किया, सर्जरी दी गई, क्योंकि उनको नी प्रॉब्लम थी, उनका प्रिस्क्रिप्शन था, उनको क्या करना था, नी रिप्लेसमेंट, जॉइंट रिप्लेसमेंट उनको करना था। और जब उन्होंने यह सर्जरी की तो क्या किया, हर पेशेंट को दिखाया गया कि उसकी सर्जरी हो रही है। कुछ दिनों बाद उनको मेडिकेशन दिया गया, सुबह शाम उन्हें बताया गया कि आपकी सर्जरी हो गई है और अब आप तुरंत ठीक हो जाएंगे, चलने फिरने लगेंगे। और धीरे धीरे उन पेशेंट्स को जब ऑब्जर्व किया गया तो वो चलने भी लगे, धीरे धीरे कुछ ऐसे पेशेंट्स थे जो दौड़ने भी लगे। तो जब कुछ पेशेंट्स ठीक हो गए, तब उन पेशेंट्स ने डॉक्टर से पूछा कि डॉक्टर, आपने सर्जरी बहुत ही कमाल की थी, देखिए अब हम तो चलने फिरने लगे हैं। तब डॉक्टर्स ने यह राज उनके सामने खोला कि यस, सर्जरी तो की थी पर आपका जॉइंट रिप्लेस नहीं किया था, सिर्फ दिखाने के लिए ओपन करके और फिर से उस घाव को सिल दिया गया था। तो अब इससे क्या साइंटिस्ट ने प्रूव किया, साइंटिस्ट यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जब हमारा बिलीव सिस्टम स्ट्रांग होता है, जब हमारा बिलीव इतना स्ट्रांग होता है कि वह हमारे शरीर पर भी विजय प्राप्त कर लेता है, हमारे बॉडी पार्ट्स पर भी विजय प्राप्त कर लेता है, तब ऐसी स्टेट में क्या होता है, हम अपनी बॉडी को अपने विल पावर के आधार पर हील कर सकते हैं और हम तंदुरुस्त हो सकते हैं, बीमारियों को भी भगा सकते हैं। तो सिस्टर तृप्ति, क्या हमारा बिलीफ सिस्टम इतना ज़्यादा स्ट्रांग होता है कि हम बीमारियों को बिना उपचार, बिना सर्जरी के ठीक कर पाए? वो जड़ से क्या निकल सकती है हमारे बिलीफ सिस्टम के कारण? बिलीफ सिस्टम जब बहुत ही स्ट्रांग होता है, थॉट पावर जब बहुत ही स्ट्रांग होती है, और जब हम अपनी मेंटल पावर को पूरी तरह यूज़ कर सकते हैं, तब ऐसे केसेस देखे गए हैं कि जब ड्रग्स और सर्जरी के बिना भी पेशेंट्स ठीक हुए हैं। तो हमने यह देखा, हमारी थॉट, हमारा माइंड एक पावर है, एक शक्ति है, जिसे सही रूप में अगर इस्तेमाल किया जाए तो हम इस पोटेंशियल को अच्छे से एक्सप्लोर करके हमारे जीवन को सुखमय, शांतमय और खुशी से संपूर्ण बना सकते हैं। जापान के एक साइंटिस्ट हैं मसेरो इमोटो। इन्होंने कुछ रिसर्चेस किए पानी पर, पानी की बूंदों पर। जापान का एक लेक है फ्यूजीवारा डैम, वहाँ से पानी का सैंपल लिया गया। उस पानी के सैंपल को माइक्रोस्कोप के नीचे देखा गया, तो उसकी जब तस्वीर दिख रही थी तो वह सिंपल पानी के कुछ कण तस्वीर में नजर आए। उन्हीं पानी के बूंदों को एक टेंपल में ले जाया गया, और जब प्रीस्ट ने एक घंटे तक प्रेयर की और प्रेयर से रिलेटेड जब भावनाएं आसपास फैली, और फिर उन मॉलिक्यूल्स को फिर से माइक्रोस्कोप के नीचे देखा गया, तो क्या पता चला? उन्होंने देखा उन्हीं वाटर मॉलिक्यूल्स ने, उन्होंने एक दूसरा रंग, दूसरा आकार, आपस में एक अलग ही हारमोनी और बहुत ही खूबसूरत फॉर्म उन्होंने ले लिया था। और उसी वाटर मॉलिक्यूल्स को फिर उन्होंने थैंक यू के कुछ शब्द कहे, और थैंक यू के शब्द कहने के बाद क्या हुआ, उसके बाद वो मॉलिक्यूल्स ने एक सफ़ेद रंग ले लिया था, बहुत ही गोलाकार सुंदर शेप धारण कर लिया था, मॉलिक्यूल्स की हारमोनी एक दूसरे के साथ बहुत ही सुंदर नज़र आ रही थी, और इस प्रकार से वे बिल्कुल ही अलग नज़र आ रहे थे। फिर हेडो नाम का एक हीलिंग म्यूज़िक होता है जापान में, तो उस म्यूज़िक को प्ले किया गया, और तब उन मॉलिक्यूल्स ने एक अलग ही आकार, अलग ही रंग, अलग ही रूप धारण कर लिया हो, मानो वो मॉलिक्यूल्स भी गाना गा रहे हों। और फिर
मदर टेरेसा के कुछ शब्द, उन शब्दों का प्रयोग किया गया उन वाटर मॉलिक्यूल्स पे, और फिर से उन वाटर मॉलिक्यूल्स का रंग बदल गया, सफ़ेद रंग का आकार हो गया, शेप बदल गया, उनका फॉर्म बदल गया। और जब एडोल्फ हिटलर इनके शब्द जब बोले गए, तब क्या हुआ होगा? वाटर मॉलिक्यूल्स का शांतिकर जो शेप है वो भंग हो गया होगा। भंग हो गया था, अब उनके शेप से नज़र आ रहा था, क्योंकि डार्किश कलर उन्होंने ले लिया था और बहुत ही डिसइंटीग्रेटेड फॉर्म में नज़र आ रहे थे, और उनके शेप को देखकर ही पता चल रहा था कि एक विद्रूप सा स्वरूप है उनका। तो जब इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स हुए, तब रिसर्चर्स ने यह कंक्लूड किया कि हमारे थॉट्स, इनका इम्पैक्ट पानी के कणों पर भी पड़ता है। तो इस प्रकार से अनेकानेक एक्सपेरिमेंट्स हुए, और सिर्फ जब उन्होंने ये किया तो कुछ लोगों ने उन्हें क्वेश्चन किया कि इज़ इट इंग्लिश लैंग्वेज जो ये वाटर मॉलिक्यूल समझते हैं। तो फिर रिसर्चर्स ने क्या किया, दुनिया की 33 भाषाओं का प्रयोग किया, उन वाटर मॉलिक्यूल्स पे 33 भाषाओं के लेबल लगाए गए, और हर भाषा के लेबल से क्या हुआ, उसी प्रकार के रिजल्ट्स निकले। तब यह सिद्ध किया गया कि इन वाटर मॉलिक्यूल्स को भाषा नहीं समझ में आती, इन वाटर मॉलिक्यूल्स को थॉट्स समझ में आते हैं जो हम जेनरेट करते हैं। तो ये जो थॉट्स हैं, जो हमारा माइंड है, ये इतना पावरफुल है कि हमारे आसपास के पानी के कणों पर भी इसका इम्पैक्ट पड़ता है। और अगर हम अपने शरीर को ही देखें इला, तो हमारे शरीर में कितना पानी है, और अगर हमारे आसपास के एनवायरनमेंट पे इसका इतना असर पड़ा, तो हमारे शरीर पर इसका कितना असर पड़ता होगा। कितना असर पड़ता होगा, और इसलिए भी क्योंकि हमारे शरीर में लगभग 70% पानी होता है, इसलिए हम जो थॉट्स जेनरेट करते हैं, उन थॉट्स का हमारे शरीर पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। और कहते भी हैं ना कि अरे बच्चों को जो हम कहते हैं, जो उनके गुरुजन कहते हैं, बड़े लोग कहते हैं, उन पर बच्चों पर उनका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो वह इसलिए कि बच्चों में पानी का प्रतिशत अधिक होता है, 70 से 80% के लगभग भी उनके शरीर में पानी होता है। तो इसलिए ये कहा गया है, यह जो माइंड है यह एक पावर है, हमारे पास जो थॉट्स हैं वह पावर है, उसे हमें वाइजली यूज़ करना है, उसे हमें इस प्रकार यूज़ करना है कि हम अपने थॉट पावर का, माइंड पावर का पोटेंशियल है, इसकी जो कैपेसिटी है, पहले उस पोटेंशियल को पहचाने, उसे जाने, और एक बार हम जान लें इसके पोटेंशियल को, तो सही रूप में अगर उसको यूज़ करें तो हम अपने जीवन को सुखी, आनंदी, शांत और सक्सेस से भरपूर, प्रॉस्पेरिटी से भरपूर एक खुशहाल ज़िंदगी हम जी सकते हैं। आज सिस्टर तृप्ति ने हमें बताया कि विचारों का मानव जीवन पर कितना भारी प्रभाव पड़ता है, कितना गहरा प्रभाव पड़ता है। माइंडसेट, विचारधारा हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ हमें ही नहीं, हमारे आसपास के एनवायरनमेंट को भी असर करती है। इसलिए हमारे लिए ये आवश्यक है कि हमारी विचारधारा, हमारा माइंडसेट पॉजिटिव होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। सिस्टर तृप्ति ने एक एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया जहाँ पर विचारों का पानी के अणुओं पर भी असर पड़ा। जब प्यार भरे शब्द बोले गए तो अणुओं ने अच्छा शेप ले लिया, जब हेट्रेड के शब्द बोले गए तो अणुओं ने एक कुरूप शेप ले लिया, खूब ही गंदा रूप ले लिया। इसलिए हमें यह सोचना चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर 70% पानी है, तो इन विचारों का, बुरे विचारों का हम पर कितना बुरा परिणाम पड़ता होगा। इस सारी जानकारी के लिए मैं सिस्टर तृप्ति का धन्यवाद करना चाहती हूँ। थैंक यू सिस्टर तृप्ति। कल हम इसी समय इसी जगह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ओम शांति। मैं आत्मा अविनाशी हूँ और मेरा अस्तित्व सनातन है। मैं मस्तिष्क के बीच में भ्रिकुटी के मध्य में स्थित हूँ, यहीं पर विराजमान हूँ। मैं आत्मा
शरीर की सभी इंद्रियों का मस्तिष्क द्वारा संचालन करती हूँ। मुझ सूक्ष्म प्रकाश पुंज में ही अनगिनत प्रक्रियाएं चलती हैं। मुझ में ही देव के विभिन्न अंगों के संचालन, मानसिक चिंतन से लेकर अपने भविष्य के भाग्य को निर्धारित करने तक की बातें शामिल हैं। मैं आत्मा स्वतः ही ये जानती हूं कि मेरे शरीर के लिए क्या ठीक है और क्या नहीं, लेकिन मैं ये भूल गई हूं कि उस ज्ञान को किस तरह प्राप्त करूं। जब आत्मा शरीर में स्थित होती है तब वो तीन आंतरिक शक्तियों द्वारा कार्य करती है। वैसे हर एक शक्ति को भिन्न नाम दिया जा सकता है, लेकिन वास्तव में ये एक ही ऊर्जा है। आत्मा एक साथ तीन स्तर पर कार्य करती है। ये शक्तियां हैं मन, बुद्धि और संस्कार। सर्वशक्तिमान की